हेलो फ्रेंड्स उम्र थका नहीं सकती ठोकरे गिरा नहीं सकती अगर जीतने की जीत हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती फ्रेंड्स मैं राम सर आप सबों को सी गुरु कंपटीशन जोन पर स्वागत करता हूं फ्रेंड्स अगर आपके अंदर जीतने की जिद है जीतने की जुनून है तो कभी भी परिस्थितियाँ आपके जीवन की सफलता की रोड़ा नहीं बन सकती है मतलब कि कोई इतनी भी रुकावटें आए कितनी भी ठोकरें आए लेकिन कभी भी आपकी जीतने की जीत कम नहीं होनी चाहिए जीतना है हर हाल में जीतना है स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स इसी वादे के साथ आज का सेशन। आज का सेशन फ्रेंड्स है सत्ता का सजा पावर शेयरिंग जो कि चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे उसमें अब हम लोग को देखना क्या है टॉप ट्वेल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट टू पिछले पार्ट में हमने दो क्वेश्चंस को कवर कर पाए थे जो दस क्वेश्चन बचे हुए थे उन क्वेश्चन को हम आज कवर करेंगे पावर शेयरिंग हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी जा सकते हैं या फिर ऊपर राइट कॉर्नर पर क्लिक करेंगे तो आपका लिंक दिया हुआ है उस लिंक के थ्रू से भी आप जा सकते हैं फ्रेंड्स एक और चीज़ है कि इसमें हम लोग जानेंगे थोड़ा सा संघीय सरकार अर्थात की फेडरलिज्म का ओवरव्यू अर्थात की इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे कुछ संघीय सरकार के बारे में जो कि आपका सेकेंड चैप्टर है पॉलिटिक्स का सेकेंड चैप्टर फ्रेंड्स ये प्रतिदिन लाइव आता है आपको ये लाइव होता है शाम के छः बजे अर्थात की सिक्स पी को इसलिए आप भी देखना ना भूलें अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब साथ ही साथ बेल बटन अगर क्लिक कर देते हैं तो जो भी आपके लिए वीडियोज आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा इसलिए फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे सत्ता के साझा अर्थात की पावर शेयरिंग को जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था देखा था उनके बारे में आज जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि कितना आपने पढ़ा था कितना आपका पॉइंट क्लियर है उनके बारे में जानेंगे साथ ही साथ पावर शेयरिंग से रिलेटेड थोड़ा तक थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप करके हमने दिया है ताकि पावर शेयरिंग के साथ साथ आप थोड़ा सा अप लेवल के क्वेश्चन पर भी सोचने पर विचार कर सकते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने डाले हैं जो पावर शेयरिंग के बातों से आप सोच सकते हैं अर्थात कि बड़े लेवल के एग्जाम्स आई एस आई के एग्ज़ाम के लेवल का क्वेश्चन भी डाला हमने जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है लेकिन क्या है कि बस आपकी सोच जो है अपने अप लेवल का होना चाहिए आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ जाना चाहिए इस बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन डाले हैं आप भी क्वेश्चन को देखें स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के टॉप ट्वेल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट टू फ्रेंड्स ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो कि हम लोग कर चुके थे अब देखना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा विचार करते हैं इस पर कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन कहता है हमारा निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे अर्थात कि में जो रंग भेद काले और घोड़े का भेद था उसके विरोध करने वाले में कौन शामिल नहीं थे थोड़ा सा समझ डालिए दिमाग पर जोड़ दीजिए बताइए कि लोकतंत्र में रंगभेद के लिए विरोधी कौन नहीं थे आपको हम सिर्फ इसके लिए दस सेकेंड का ही टाइम दे पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है एक बार आप नाम पढ़ेंगे नाम पढ़ते ही दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा है फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी जेड गुडी फ्रेंड्स अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन आपके रंग भेद के मामले में आगे थे तो इनके बारे में हम बात करेंगे पहला आपका मार्टिन लूथर किंग का जानते फ्रेंड्स सब किसी ने सुना होगा मार्टिन लूथर किंग का ये रंग भेद के लिए आपके सबसे आगे रहने वाले लोगों में से एक थे इन्होंने ही अपार्थित व्यवस्था जो कि अमेरिका में लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गई थी उनके लिए आपका सॉरी साउथ अफ्रीका में उनके लिए सबसे पहले आगे आए थे महात्मा गांधी से इंस्पायर हुए थे इसलिए महात्मा गांधी भी इसी कैटेगरी में आते हैं ठीक है और एक ओलंपिक का गेम हुआ था उसमें आपके टोमी स्मिथ और जॉन कॉलेस ठीक है ये दोनों की समस्या ये थी कि ये लोग ओलंपिक के टॉपर थे लेकिन ओलंपिक धावक में टॉपर होने के बावजूद भी एक ब्रॉन्ज मेडल के जीते हुए व्यक्ति से इनको गोल्ड मेडल को सम्मानित किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये काले थे अर्थात कि ब्लैक कलर के थे जिसके वजह से इन्होंने भी इस व्यवस्था का विरोध किया था अर्थात कि ओलंपिक व्यवस्था में मान लीजिए कि किसी में अगर कोई अगर जीता है अगर उसने जीत दर्ज किया है अगर उसने सम्मान अगर गोल्ड मेडल का प्राप्त किया है तो उनका सम्मान भी गोल्ड मेडलिस्ट व्यक्ति से या फिर सम्मानित व्यक्ति से उनका सम्मान कराया जाना चाहिए था लेकिन क्या हुआ कि टॉमी स्मिथ और जॉन कैलेस ये क्या थे जीतने के बाद गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी इनको जो सम्मान दिलाया गया एक ब्रॉन्ज मेडल यानी कि थर्ड क्लास विनर से इनको क्या किया गया सम्मानित किया गया जिनके लिए इन्होंने क्या किया अपना गोल्ड मेडल को लौटा दिया और इनको विरोध किया इन्होंने कि कि रंग भेद अर्थात काले और गोड़े रंग के भेद पर जो रंग भेद किया जा रहा है ये बिल्कुल हमारे समाज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमें क्या करना चाहिए एक ब्रदरहुड एक भाईचारे के साथ जीना चाहिए ठीक है लेकिन आपका लास्ट जो ऑप्शन है जेड गुड़ी ये आपके इस किसी भी मामले से आपके कनेक्टेड नहीं है इसलिए आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा सबका एक पॉइंट अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स हमारा क्या कहता हो देखिए कहता है हमारा निम्नलिखित कथनों पर मिलान करें आपको बताना है कि किस क्षेत्र में कौन सा धर्म है जैसे पाकिस्तान में कौन सा है हिंदुस्तान में क्या है इंग्लैंड में क्या है आपका ऑप्शन बताना है आपको ए का किसके साथ मैच करेगा बी का किसके साथ और सी का किसके साथ मैच करता है फटाफट बताइएगा फ्रेंड्स कि पाकिस्तान में कौन सा धर्म है हिंदुस्तान में कौन सा धर्म है और इंग्लैंड में कौन से धर्म किस फॉर्म में आपके धर्म माने जाते हैं फटाफट बताइए थोड़ा सा आपका एग्जाम का लेवल आप ही के लेवल का है बस थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी आपको बढ़ानी है करनी है थोड़ा सा लेवल अप कुछ अप्रेंड्स के आ रहे हैं ऑप्शन चलिए आप लोगों ने अगर डाउट है क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं बताता हूं इसका आंसर मैं समझाता हूं आपको देखिए कह है इसका जो सही मिलान होगा आपका वो होगा आप ब नंबर ये सबको पता है फ्रेंड्स कि आपका पाकिस्तान जो है पाकिस्तान है वहाँ पर कौन सा धर्म है वहाँ पे धर्म है हमारा इस्लाम का ठीक है तो इसके साथ कौन मैच करेगा इसके साथ मैच करेगा हमारा ए क्लियर है सबको हिंदुस्तान की अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान की अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान एक ऐसा जगह है जो कि किसी धर्म प्रधान का नहीं है यहाँ पर हिंदू भी है मुस्लिम भी है सिख भी है ईसाई भी है इसलिए इस धर्म का मैचिंग करता है धर्मनिरपेक्ष है धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म के मामले में स्वतंत्र यह क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा धर्म निरपेक्षता ठीक है फ्रेंड्स धर्मनिरपेक्षता अगर देखा जाए तो वास्तव में एक ऐसा शब्द है ठीक है जो कि संविधान में अपना बड़ा महत्व रखता है ठीक है धर्म निरपेक्षता के संबंध को स्पेशली जो, जो जोड़ा गया था वह आपका बहत्तरवा संविधान संशोधन हुआ था बहत सॉरी बयालीसवा संविधान संशोधन हुआ था बयालीसवा संविधान संशोधन हुआ था उन्नीस में कब हुआ था उन्नीस सौ में संविधान में संशोधन हुआ था उस संविधान में संशोधन के फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी ऐड किया गया था देखते अगर फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें उसके बाद इंग्लैंड की तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है इंग्लैंड का प्रोटेस्ट इसलिए सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी का स हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं पाकिस्तान इस्लाम धर्म को हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष अर्थात कि यहाँ पर कोई भी किसी धर्म को माने इसके लिए कोई मनाही नहीं है आप स्वेच्छता से जिस धर्म को मानना चाहते हैं उस धर्म को आप मान सकते हैं सरकार के तरफ से संविधान के तरफ से कोई सा भी रोक टोक किसी भी व्यक्ति पर नहीं है सभी धर्म अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने लेवल पर कर सकता है किसी भी तरह के उन पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी लेकिन हाँ एक और बात संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती आप किसी भी धर्म को मानने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते हैं अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है हिंदू धर्म अपनाना चाहता है तो वह हिंदू धर्म स्वेच्छा से अपना सकता है अगर कोई हिंदू व्यक्ति है मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है तो स्वेच्छा से अपना सकता है कोई इसके लिए प्रतिबद्धता नहीं है कोई ईसाई धर्म मानना चाहता है तो ईसाई में भी जा सकता है यह सबसे बड़ी चीज है और यही हमारे देश की खूबी है कि हमारे देश में सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को समानता दिया गया इसमें किसी भी लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है हमारा जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है ऑप्शन पढ़िए क्लियर हो जाएगा लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है लैंगिक विभाजन अर्थात कि लिंग के आधार विभाजन। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सही जवाब होगा? जल्दी कीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए हम आपको देंगे पंद्रह से बीस सेकंड क्योंकि सारे ऑप्शन आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे एक बार दिमाग में जोर देना पड़ेगा कि हमने क्या बताया है आप आंसर बता पाएंगे लैंगिक विभाजन की बात किया तो हम लोगों ने भाषाईक विभाजन के बात किया था धर्म के आधार पर विभाजन के बात किया हुआ था आपको बताना है कि लैंगिक विभाजन की बात का अभिप्राय क्या है फ्रेंड्स अगर ऑप्शन की बात करें तो मैं एक बार बता देता हूं आपको सभी ऑप्शन स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर अर्थात कि जी विशेष पर अंतर दूसरा ऑप्शन कहता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका अर्थात हमारे समाज में स्त्री का अलग काम और पुरुष के अलग कामों का बंटवारा तीसरा ऑप्शन बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात अर्थात बालक यहाँ पर अधिक है बालिका कम है या बालिका अधिक है बालक कम है इनके अनुपात में समानता नहीं है इसके कारण लास्ट ऑप्शन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना आपको बताना है कि लैंगिक विभाजन की बात का हमारा अभिप्राय क्या है फ्रेंड जो इसके अगर सही आंसर की अगर बात करें हम लोग तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक है वास्तव में लैंगिक विभाजन क्या है लैंगिक विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो लैंगिक विभाजन है क्या हमारी समाज इसे बांटती है स्त्री और पुरुष इनको हम असमान भूमिका दी है अगर हमारा समाज आज का है कि लैंगिक विभाजन नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कभी भी ये अधिकार नहीं है कभी भी ये समस्या नहीं है कि वो स्त्री है कि पुरुष पुरुष है उनके आधार पर उनको कार्य नहीं दिया जाए तो बताइए क्या लैंगिक विभाजन होगा हमारे देश में कोई जनता आपका लैंगिक विभाजन का प्रावधान करेगा बताइए मान लीजिए कि हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है कि औरतें जो होंगी सिर्फ घर का काम करेंगी बाहर निकलकर नौकरी नहीं कर सकती है हमारी बहू बेटी बाहर नहीं निकल सकती है वह जॉब नहीं कर सकती है उन्हें बाहर निकल के बोलने का अधिकार नहीं है तो ये अधिकार किसने दिया ये अधिकार कहाँ से आया हमारी समाज ने दिया हमारी समाज जो है यह समाज की विचारधारा ने दिया कि स्त्री और पुरुष में समानता नहीं करना है असमान रखना है क्यों रखना है भाई स्त्री के बाद भी पास भी उतनी कैपेसिटी है जितना पुरुष के पास है फिर दोनों के कार्य में असमानता क्यों रखें किसी को हम पीछे क्यों देखें स्त्री को नीचे स्तर का क्यों समझें पुरुष को अपर लेवल का क्यों स्तर समझें इस तरह से स्त्री पुरुष में जो असमानता की भूमिका है यह समाज के द्वारा फैलाई गई है जिसे हम लोग को कतई नहीं मानना चाहिए इसे कम करना चाहिए स्त्रियों को भी समान मौका देना चाहिए ताकि वह भी समाज में एक अपना लेवल बना सके अपने परिवार अपने माता पिता अपने गुरु का नाम रोशन कर सके देखते हैं फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है हमारा भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सबसे पहले किस संस्था में हुई थी बताना आपको किस संस्था में औरतों के आरक्षण की व्यवस्था है जल्दी कीजिएगा फ्रेंड्स ईजी है थोड़ा सा बताइए थोड़ा जल्दी क्योंकि इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी और जानना है फटाफट बताइए फ्रेंड्स कि आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है हमारे लेवल पे किस संस्था में आपकी आरक्षण दी गई है औरतों को विशेष रूप से थोड़ा जल्दी कीजिएगा कुछ स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं तो नहीं मारिएगा अगर समझ में आता है तो आंसर दीजिएगा डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा मैं ऐसे लेवल का ही क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले कुछ नई बातें सीखने को मिले साथ ही साथ एग्जाम के लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल का क्वेश्चन है ताकि एग्जाम में आपको समस्या नहीं हो देखते फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था हमने पढ़ा था उसमें बताया था हम लोगों ने कि हमारे सरकार में हालांकि आगे हम लोग फेडरल गवर्नमेंट जानेंगे तो उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में हालांकि मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि आपका जो पावर शेयरिंग है उसमें पढ़ा था कि सरकार का लेवल मेनली हम लोगों ने कितने भागों में बांटा था दो भागों में कौन कौन एक हमारा केंद्र सरकार था एक हमारा केंद्र सरकार था और दूसरा हमारा क्या था राज्य सरकार था बोलो था कि नहीं था और तीसरा हम लोगों ने कहा था कि क्षेत्रीय लेवल पे लोकल लेवल पे काम करेगा और वो लोकल लेवल कौन था हमारा पंचायती राज व्यवस्था था ठीक है फ्रेंड्स और हमने ये भी बताया था एक और चीज़ चीच। कि आपका इन्हीं क्षेत्र के स्तर पर आपके संविधान में दो बातें कही गई है कि कमजोर वर्ग और औरतों याद कीजिए जरा अगर पॉइंट याद आ रहा है तो औरत और कमज़ोर वर्ग के लिए आपका आरक्षित सीट है उनके लिए विशेष अधिकार है किन क्षेत्रों में प्रशासन के क्षेत्र में अगर याद आ रहा है तो बोलिए कमेंट्स कीजिए हमने बताया था कि नहीं बताया था कि औरत और कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है रिजर्वेशन की कोटा है जिसमें उनको प्रशासनिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में उनको क्या मिलेगी जी उनको आरक्षण मिलेगी बताइए हम बताए थे ना फटाफट -फड़ कमेंट्स कीजिए तो बताए थे फिर आपको सोचना क्या है उसमें इसलिए आपका सही आंसर जो होगा आपका पंचायती राज व्यवस्था होगा हालांकि पंचायती राज व्यवस्था पहले नहीं था संविधान में पहले नहीं था यह बाद में लाया गया था यह पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है स्पेशली जो हमारे संविधान में है वह संविधान के संविधान की जो संख्या है दो आपका आर्टिकल जो है दो ए से लेकर दो ओ तक वर्णन है आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा यह इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम के लिए भी काम आएगा दो ए से लेकर दो ओ तक भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ पीछे इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि नहीं किया था क्लियर हो गया सबको वेरी गुड देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है ध्यान दीजिएगा संप्रदायिक वर्ड आ गया हमने बताया था सांप्रदायिक के बारे में अगर याद आ रहा हो तो एक बार दिमाग पर जोर दे दीजिएगा और उसके बाद सभी ऑप्शन पढ़ के उसके बाद सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आपको बताना है सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर की जाती है अर्थात की सांप्रदायिक राजनीति किसे कहेंगे याद कीजिएगा हमने बताया था सांप्रदायिक सांप्रदायिक राजनीति के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था चलिए फटाफट -फड़ बताइए ऑप्शन ए बी सी डी आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं कहिए तो चार ऑप्शन एक बार मैं बता दूं अगर देखने में दिक्कत हो तो मैं चारों ऑप्शन को पढ़ देता हूं पहला ऑप्शन कहता है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है यह सांप्रदायिक राजनीति है दूसरा ऑप्शन विभिन्न धर्मों के लोग सम्मान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी रहते हैं अर्थात कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तीसरा ऑप्शन एक धर्म के अनुवायी एक समुदाय बनाते हैं तीसरा ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन आपका कहता है एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों के परकाय रखने शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है अर्थात कि लास्ट ऑप्शन कहता है आपका कोई धार्मिक समूह है जो प्रभाव अपना जो प्रभाव है बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने के लिए यानी चाहता है कि हमारे धर्म का ही वर्चस्व रहा है इसके लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है ठीक है अर्थात कि एक धर्म दूसरे धर्म को मानने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता है आपको बताना है किससे हम लोग बोलेंगे सांप्रदायिक राजनीति जल्दी कीजिए फ्रेंड्स और हम दस सेकेंड का टाइम दे सकते हैं लास्ट एट, सेवन, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ओवर फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें, इसमें क्या होता है सांप्रदायिक राजनीति हमने बताया था कि धर्म के आधार पर समस्या सम्प्रदायिक का मतलब क्या धर्म के आधार पर मानना तो एक धर्म क्या समझता है कि दूसरे धर्म से हमारा श्रेष्ठ हो हमारा जो धर्म हो हमने सांप्रदायिक राजनीति के बारे में आपको बताया था जिस समय हमने बताया था आपको कि भाषा के आधार पर भी राज्य बने हैं धर्म के आधार पर भी हम राज्यों को बांट सकते हैं इसमें हमने बताया था कि भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को बांटा गया था बताइए मैंने बताया था कि नहीं बताया था यस लिख के बताइए अगर बताया था तो याद आ रहा है तो।, तो हमने बताया था उसमें बताया था कि संप्रदायिक राजनीति उसे कहते हैं जब हम धर्म विशेष पर क्या करें अपनी राजनीति करें जैसे हिंदू का अगला कर, अगली कैटेगरी बनाए मुस्लिम का अलग कैटेगरी ईसाई धर्म वाला अलग होगा बौद्ध धर्म मानने वाले अलग होंगे अब बौद्ध धर्म क्या कहेगा ईसाई धर्म से कहेगा कि बौद्ध धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है और ईसाई धर्म आपका उसका कमजोर है जैन धर्म वाला कहेगा नहीं भाई मेरा धर्म सबसे आगे है तो इस कंडीशन में क्या होगा हर धार्मिक विचारधारा वाला अपना अपना कैटेगरी अलग अलग बना लेगा जिसके वजह से एक धर्म के लोग वाले लोग एक धर्म वाले लोग एक ही धर्म वाले लोगों को वोट करेंगे और जिन धर्म के लोगों की जनसंख्या अधिक होगी उन्हीं की विजय होगी तो इस प्रकार के राजनीति को हम लोग क्या कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं और हमारे क्षेत्र में सांप्रदायिक राजनीति एक बड़ा मुद्दा है ठीक है यानी कि सांप्रदायिक राजनीति और जाति स्तर की जो राजनीति है हमारे क्षेत्र में हमारे देश में अधिकतर होती है वोट के समय हम लोग क्या देखते हैं कि किनके जाति का लोग खड़ा हुआ है सिर्फ वो जाति का लोग हम क्या करते हैं उनको सपोर्ट करेंगे बाबू ये मैं बता दूं बात कि कभी भी जाति विशेष पर हमें राजनीति नहीं करना चाहिए कभी भी हमें वोट जाति विशेष धर्म विशेष पर नहीं देना चाहिए देखना चाहिए कि कौन हमारे लोकेलिटी के लिए परफेक्ट है कौन हमारे देश को आगे लेके जा सकता है उस आधार पर हमें वोट करना चाहिए हम लोग सिर्फ पर्सनल फायदे देखते हैं कि अगर मेरे कास्ट का मेरे संप्रदाय का अगर कोई व्यक्ति है तो अगर कोई काम पड़ेगा तो आसानी से मेरा काम हो जाएगा यह बिल्कुल गलत है अगर पर्सनल फायदे खुश आप सोचने लगेंगे हर कोई अगर पर्सनल फायदा सोचेगा तो आप बताइए कि देश के बारे में कौन सोचेगा इस देश के विकास के बारे में कौन सोचेगा कैसे करेगा हमारा देश विकास इस देश के विकास के लिए इस देश में आने वाली कठिनाइयों से सामना करने के लिए हम सबों को एकजुट होना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा इस सांप्रदायिकता की राजनीति से हमें अलग निकलना पड़ेगा धर्म के आधार पर नहीं उनके कर्म के आधार पर हमें वोट करना पड़ेगा बताओ फ्रेंड्स पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी कमेंट्स कीजिए क्लियर है सबको पॉइंट क्लियर है सबको चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट कहता है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है फटाफट बताइए पहला ऑप्शन कहता है हमारा यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है यह कहता है भाई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा दूसरा ऑप्शन यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है यानी कि कहता है भाई एक ही धर्म यहाँ पे चलेगा हिंदू है तो हिंदू चलेगा मुस्लिम है तो मुस्लिम सिख धर्म है तो सिख ही चलेगा क्या हमारा संविधान ऐसा बताता है तीसरा ऑप्शन सभी लोग कोई भी धर्म मनाने की आजादी है यहाँ पे यानी जिसको जो मन करे वो धर्म मान सकता है तीसरा ऑप्शन कह रहा है हमारा और चौथा ऑप्शन धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है फटाफट बताइए हमने अभी चर्चा किया था कुछ संशोधन के बारे में चर्चा किया था इनके बारे में मैंने डिटेल से पीछे कुछ बताया था अगर याद आ रहा है तो फटाफट आंसर कीजिए ऑप्शन सभी एक जैसे ही लगते हैं आपको सिर्फ उसमें चूज करना है थोड़ा सा दिमाग कॉन्सटेंट करना है ये नॉर्मल स्टूडेंट और हाई लेवल के थिंकिंग वाले स्टूडेंट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि हर क्वेश्चन एक ही जैसा लगता है लेकिन उसमें जितना गहराई से आप सोचेंगे आसानी से आप उस ऑप्शन को चूज पढ़ कर चूज कर पाएंगे कि कौन सही और परफेक्ट आंसर है जल्दी कीजिए फटाफट कीजिए पंद्रह सेकेंड का टाइम देते हैं हम आपको टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन चलिए प्रिंस जितने आए आंसर उतने आए देखते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर प्रिंस इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो एक चीज उसमें कह रहा है क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है किसके बारे में हमारे संविधान के बारे में और हमारा संविधान धर्म के मामले में क्या कहता है पहला नंबर बात कहता है कि धर्म की किसी भी तरह की भेदभाव नहीं है किसी भी तरह की मनाही नहीं है जो धर्म मन करे वो मानिए ठीक है।, है तो पहला नंबर ऑप्शन में तो कोई डाउट ही नहीं है बिल्कुल सही बात है दूसरे ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि यह धर्म का राजकीय धर्म बनाता है कि एक ही धर्म को मानेगा तो भाई ऐसा बात तो नहीं है ऐसा तो हमारा संविधान नहीं कहता है कि हमें क्या करना है एक ही धर्म को राजकीय धर्म बनाना है इसलिए बी नंबर ऑप्शन हमारा गलत बताता है अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सी नंबर ऑप्शन कहता है सभी लोग का कोई भी धर्म मानने की आजादी है हमारा दे, हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता है और धर्म निरपेक्षता यही तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति हो कोई भी धर्म माने कोई प्रॉब्लम नहीं है आप जो मन करे वो धर्म मानिए आपको किसी भी तरह से कोई प्रेशर नहीं पड़ सकता है और लास्ट ऑप्शन कहता है हमारा किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार है बिल्कुल सही बात है कोई भी धार्मिक समुदाय हो यानी उस सभी को बराबरी का अधिकार है अगर मुस्लिम का कोई अगर ईद का पर्व हो रहा है तो हिंदू जाएगा तो ऐसा नहीं कहना है कि भाई तुम भाग जाओ तुम हिंदू हो तुमको नहीं मिलेगा खाने को इसके साथ में या तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो तुम गले नहीं मिल सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जाता है तो यही सब तो खूबी हमारे देश को महान बनाती है पूरी दुनिया में इंडिया को ग्रेट इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सभी धर्मों को प्रेम से आदर किया जाता है और सभी धर्मों को एक समान एकजुटता के साथ माना जाता है इसलिए फ्रेंड्स जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी यह एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाता है ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसलिए आपका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात की फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बताओ इसमें किसी को क्लियर है किसी सबको क्लियर हो गया किसी को डाउट है तो बोलिए यहां पे कह रहा था कि यह धर्म के एक ही धर्म को राजकीय धर्म बनाता है अगर यहाँ पे नहीं वर्ड जोड़ दिया होता तो यह ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता क्लियर है फ्रेंड्स सबको सबको क्लियर है वेरी गुड देखते हैं फ्रेंड्स आगे अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर आपने लाइक बटन पर क्लिक करना भूल गया हो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो भूल जाते हैं लाइक करना है तो भाई अगर अच्छा लग रहा हो मेरे मेहनत पे थोड़ी सी भी तरस आ रही हो तो कम से कम लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दो क्योंकि हम आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो आप अगला टॉपर बने टेंथ का टॉपर आप ही बने मैं ये चाहता हूँ इसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़े हम आपके लिए करेंगे लेकिन थोड़ा सा फर्ज आपका भी तो बनता है कि थोड़ा लाइक और शेयर करें ठीक है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन को धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है बताना है आपको धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है इस पॉइंट को मैंने कितनी बार क्लियर किया है अब फटाफट बताइए इनके मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ने वाला हूँ आप ही को बताना है जल्दी कीजिए सिर्फ दस सेकेंड का टाइम दूंगा मैं जल्दी कीजिए थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स आंसर भी करना शुरू कर दिए हैं वेरी गुड यही चाहिए मुझे कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो फटाफट आंसर कीजिए ताकि मुझे भी उत्साह मिले मुझे भी लगे कि आप समझ रहे हैं आपका पॉइंट क्लियर हो रहा है वेरी गुड चलिए अगर देखते हैं इसके ऑप्शन की बात की कौन सही है तो देखते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्वधर्म समभाव जो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो क्या है सर्वधर्म समभाव मतलब क्या सभी धर्मों को सभी धर्मों को समान भावना से देखनी है किसी एक धर्म को हेड नहीं मानना है किसी एक धर्म को लोअर नहीं मानना है किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करना है और किसी एक धर्म के सम्मान के चलते बाकी धर्म को निग्लेक्ट भी नहीं करना है इग्नोर भी नहीं करना है इसलिए सर्वधर्म संभव सभी धर्म को समान भावना से एक समान भावना से मानना है इसमें क्या कह रहा है कि अगर बाकी ऑप्शन की बात करें कि बाकी ऑप्शन हमारा सही आंसर क्यों नहीं होगा तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कह रहा है धर्म से रहित धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई भी धर्म ही नहीं रहेगा भाई ऐसा तो नहीं कहते हमारा धर्मनिरपेक्षता कि कोई धर्म ही नहीं रहेगा जब देश में कोई धर्म नहीं रहेगा तो क्या सभी लोग आपके धर्म के नास्तिक हो जाएंगे जब कोई धर्म को नहीं मानेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं नास्तिक हिंदी के लिए एक वर्ड है नास्तिक जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है ठीक है दूसरा ऑप्शन कहता है फ्रेंड्स धार्मिक श्रेष्ठता धार्मिक श्रेष्ठता का मतलब होता है किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानो अब बाकी धर्म का नीचे वाला मानो बताओ ऐसा क्या धर्मेक्षा कहता है क्या हमारा बताइए कॉमेंट्स बॉक्स में क्या कहता है कि धार्मिक को श्रेष्ठ मानना है एक ही धर्म को हेड मानना है बाकी धर्म इसके अंदर का असिस्टेंट बनेगा ऐसा कहता है कि हमारा धर्मनिरपेक्ष नहीं कहता ना चलिए फटाफट बताइए कि कहता है कि नहीं कहता है बिल्कुल भी नहीं कहता है चलिए ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों का धर्म तो चौथा नंबर जो ऑप्शन है कि अल्पसंख्यक के धर्म को ही हम धर्म मानेंगे ऐसा तो नहीं लिखा संविधान में कि जिसकी कम मानने वाले उसी धर्म को हम अपने देश में मानेंगे ऐसा कहा है क्या हमारे संविधान में बताओ कहा है तो फटाफट -फड़ कमेंट कीजिए ऐसा कहा गया है कभी बिल्कुल भी नहीं कहा गया है इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्या आंसर होगा सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों को समान भावना समय देखना है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्लियर है फ्रेंड्स सबका चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन हमारा क्या कहता है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है यानी भारत के संविधान के बारे में क्या सही बताया गया है चार ऑप्शन दिए हुए हैं सोचिए जरा सा लगाइए दिमाग क्योंकि इजी क्वेश्चन है लेकिन आपका क्या है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा और हम यही चाहते हैं कि आपका माइंड डेवलप हो आप सोचने समझने की शक्ति का विस्तार कीजिए अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो बताइए मैं ऑप्शन पढ़ दूं नहीं तो पढ़ पा रहे हो तो अच्छी बात है कोई बात नहीं पाँच दस सेकेंड आप पढ़ लीजिए खुद से अगर नहीं दिक्कत होगा तो फिर से मैं ऑप्शन भी पढ़ दूंगा आपको जल्दी कीजिए थोड़ा सा आंसर फटाफट कीजिए वेरी गुड कुछ आंसर आ रहे हैं और कुछ को पढ़ने में डाउट हो रहा लग रहा है मुझे मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं पहला ऑप्शन कहता है कि हमारे संविधान में एक कहा गया है ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में आपका बताया गया है कि सही कौन सा है ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही है पिछले क्वेश्चन में उन्हें देखा था गलत इस पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है इसलिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन कहता है हमारा यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है ठीक है अर्थात कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है दूसरा ऑप्शन या एक धर्म को ही राजकीय धर्म बनाता है तीसरा ऑप्शन लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है यानी एक ही धर्म मानना है कोई किसी धर्म को नहीं मान सकता और चौथा ऑप्शन महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव है अर्थात कि महिला हमारे देश में वोट नहीं दे सकती है बताइए फटाफट इसमें से कौन सही बात है और कौन गलत बात है जल्दी कीजिएगा थोड़ा फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है आपका वो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है कैसे सही है वो भी देख लीजिए आप लोग तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कहता है ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारा ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यह क्या करता है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है यही तो हमारा धर्म निरपेक्ष कहता है कि किसी भी धर्म की भेदभाव से आपको मनाही नहीं है आप जो मन करे वो धर्म मानिए और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने जाना था धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्लियर है सबको फ्रेंड्स यानी पहला पॉइंट ही हमारा सही हो गया बाकी आप नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर एक ऑप्शन अगर बीच में दे देता या लास्ट में दे देता उस कंडीशन में तो सभी को पढ़ना पड़ेगा ना आपको तो उसके लिए मैं बता दूं सभी ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि सभी ऑप्शन को किस आधार पे आप काट सकते हैं दूसरा चीज़ कह रहा है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि यह एक ही धर्म को राजकीय धर्म मानता है भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है हमारे देश में एक धर्म मानने का तो कोई बात ही नहीं होता है सवाल ही नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे अंदर सामाजिकता है हम विश्व के भाईचारे की दृष्टि से देखते हैं सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों को एक समान देखते हैं इसलिए एक धर्म की राजकीय धर्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है ऐसे ही गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है बिल्कुल आज़ादी है देश तो आज़ादी उन्नीस में ही हो गया इसलिए कोई भी धर्म मानो अब कोई रोकने वाला आपको बिल्कुल भी नहीं है और लास्ट ऑप्शन तो आंख बंद करके आप गलत कह दीजिएगा यहां पे क्या कह रहा है कि महिला वोट नहीं दे सकती है बताइए हमारे देश में महिला वोट देती है कि नहीं देती है आपकी मम्मी आपकी बड़ी सिस्टर वोट देती है कि नहीं देती है फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि वोट दिया जाता है कि नहीं यस और नो में आंसर बताना है आपको जल्दी कीजिए महिलाओं को वोट देने का अधिकार है कि नहीं हमारे देश में फटाफट बताइए कुछ आ रहे हैं कुछ आ रहे हैं आपके सेंटेंस कुछ आ रहे हैं आपके आंसर चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए है उस क्वेश्चन को अगर खत्म होने तक ये आपका सेशन अगर याद आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे ठीक है और वो क्वेश्चन है आपका कि महिलाओं को मतदान देने का अधिकार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने आपको लगाया था अर्थात कि सबसे पहले महिलाओं को मतदान देने का अधिकार किस देश ने सबसे पहले पारित किया था इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा लाइव चैट में नहीं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा सेशन कंप्लीट होने के बाद भी इसके बारे में चर्चा हम अगले क्लास में आपके साथ करेंगे ठीक है यह क्वेश्चन आपके समझ लीजिए कि होमवर्क हो गया कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे ठीक है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन अर्थात की सेकेंड लास्ट फटाफट क्वेश्चन बताइए आप दो मिनट के uh, सॉरी पाँच सेकेंड में आंसर बताने वाला है सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर की जाती है सांप्रदायिक राजनीति का कौन सा आधार है जल्दी कीजिए इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि हमने चैप्टर में भी बताया था क्वेश्चन में भी क्लियर करा दिया है अब तो डाउट होना ही नहीं चाहिए अगर डाउट हो रहा है अगर इस क्वेश्चन में भी इसका मतलब आपको पढ़ाई पे ध्यान नहीं आपको खाने पर ध्यान है लग रहा है मुझे आप खाना खा रहे हो साथ साथ में पढ़ाई पर कम ध्यान है और भूजा ज्यादा खा रहे हो आप इसलिए आप पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस करो भाई और फटाफट बताओ इसका सही आंसर कि सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर होती है पांच सेकेंड का टाइम और देंगे हम आपको फाइव फोर थ्री टू वन ओवर फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर है हमने अभी तो बात किया था इसके बारे में कि संप्राय संप्रदायिक राजनीति का मतलब धर्म के आधार पर बांटना भाई हिंदू वाले हैं तो हमको वोट करना मुस्लिम वाले हैं तो हमें वोट करना आप ईसाई धर्म के हैं तो ईसाई धर्म वाले को वोट करना बौद्ध धर्म मानने वाले हैं तो बौद्ध धर्म वाले को वोट करना इसी राजनीति को हम क्या कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति अर्थात कि पूरे देश को धर्म के आधार पर लोगों के बीच बंटवारा करना लोगों को बांटना ही हमारा क्या है सांप्रदायिक राजनीति है दूसरा चीज़ है आपका कि जातिवादिता के आधार पर बिल्कुल भी नहीं भाई जातिवादिता के आधार पर बांटने को सांप्रदायिक राजनीति हम नहीं कह सकते हैं ठीक है क्षेत्र के आधार पर तो यह क्षेत्रीय राजनीति हो जाता क्षेत्र के आधार पर बांटते तो हालांकि ये भी चीज़ नहीं होगा इसलिए आपका जो सही आंसर है वह एक ही ऑप्शन दिखता है और वो ऑप्शन कौन सा है आपका प्रदायिक राजनीति धर्म के आधार पर बंटवारे को कहते हैं बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं क्या इजी क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं अगर क्लियर हुआ तो हम लोग पहुंचते हैं इस सेशन के इस क्विज का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कहता है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है बहुत इजी क्वेश्चन है लिच्छवी गणतंत्र आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि लिचवी एक ट्रेन चलती है तो कहां से चलती है ओब्वियसली उसी राज्य से भी होगा अब इससे ज्यादा हिंट्स में और नहीं दे सकता हूं इससे ज्यादा हिंट्स में और नहीं दे सकता हूं आप मुझे बताइए कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है फटाफट बताइए फ्रेंड्स चलिए आपके आंसर में टाइम लगेंगे हम आपको पांच सेकंड का और टाइम दे सकते हैं लास्ट फाइव फोर थ्री टू और वन फ्रेंड्स जो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर है बिहार ठीक है फ्रेंड्स ये बिहार का है और बिहार आपका जो देश है सॉरी राज्य है इस बिहार राज्य में क्या था मारा लिच्छवी गणतंत्र जो था यह आपका बना हुआ था यह क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि लिच्छवी गणतंत्र बिहार के बिहार के किस जिले से कनेक्टेड है गणतंत्र की बात करें तो प्रेजेंट में अभी किस जिले से कनेक्टेड वाला पार्ट है आप इसे क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे लिचवी गणतंत्र इसे नोट कर लीजिए कि लिचवी गणतंत्र बिहार में किस जिले वाले पार्ट से कनेक्टेड है ठीक है फ्रेंड्स अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा हम देखेंगे और इनके बारे में चर्चा हम लोग अगले क्लास में जरूर करेंगे फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप ट्वेल्व क्वेश्चन ठीक है फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप ट्वेल्व क्वेश्चन यानी बारह क्वेश्चन थे टोटल कल दो हम लोगों ने हैंडल किया आज टेन क्वेश्चन को हमने क्लियर किया फ्रेंड्स आपको बताना है इस बारह क्वेश्चन में से आपने कितने सही आंसर किए कमेंट्स बॉक्स में इससे भी डालना है अगर आपने दस सही किए तो टेन अपॉन ट्वेल्व आप कमेंट बॉक्स में चेक लिखेंगे और साथ में अपना नाम लिखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके भैया पापा या मम्मी किसी अदर नेम से आपका अकाउंट बना हुआ हो इस वैसे मैं नाम समझ नहीं पाता हूं इसलिए आप नाम अपना जरूर लिख दीजिएगा ठीक है इसे क्लियर हो पाएगा कि किस स्टूडेंट का मार्क्स कितना है क्लियर है फ्रेंड्स सबको क्लियर है अब हमने बताया था आपको जैसा कि संघवाद के बारे में अर्थात कि फेडरलिज्म के बारे में हम आपको ओवरव्यू देंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं देखते फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स ये हमारा संघवाद ठीक है जिससे हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म ठीक है फ्रेंड्स संघवाद मतलब कि फेडरलिज्म अर्थात कि एक ऐसा राजकीय व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था जिसके अंदर संघीय सरकार और आपका राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर कार्य करते हो ठीक है फ्रेंड्स एक ही देश के अंदर ऐसी व्यवस्था जिनमें संघ सरकार भी हो और राज्य सरकार दोनों के दोनों कार्य करते हो तो इनमें कैसे कार्य करता वो देखिए जैसे हमारे देश में क्या सिस्टम है कि सबसे ऊपर हमारा केंद्र सरकार है ठीक है केंद्र सरकार के नीचे हमारा क्या है राज्य सरकार है ठीक है राज्य सरकार के अलावा क्या है नीचे आपका पंचायती राज तीन लेवल का आपका सरकार आपके यहां पे चलता है एक तो केंद्र सरकार दूसरा राज्य सरकार और तीसरा पंचायती राज ठीक है फ्रेंड्स यह तीन स्तर पे आपके जो सरकार चलाने की व्यवस्था है यही तो संघवाद है संघवाद का मतलब देश का विकेंद्रीकरण ठीक है विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दो पार्ट है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण ठीक है क्या होता है विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण उसको जानिए हालांकि इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा किसमें हिस्ट्री के बुक में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि केंद्रीकरण के बारे में थोड़ा सा मैं बता दो ठीक है केंद्रीकरण और दूसरा होता है आपका विकेंद्रीकरण पहले केंद्रीकरण के बारे में जान लेते हैं जिससे हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइजेशन जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं जो भी सी वाले स्टूडेंट हैं वो घबराए है नहीं हम आपको इंग्लिश में भी समझाएंगे ठीक है सेंट्रलाइजेशन तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी जो पावर होगी देश की वह एक ही जगह स्थित होगा सेंटर में ही स्थित होगा ठीक है अर्थात कि वहां पे जो भी ओवर कंट्रोल किया जाएगा वहां पे कहां से किया जाएगा केंद्र सरकार से ही अर्थात कि केंद्र स्तर ही उसका हेड होगा उससे हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइजेशन सपोज दैट कि यहां पे राज्य सरकार के रूप में आपका नहीं बटा हुआ है ठीक है जैसे इंग्लैंड है तो इंग्लैंड के हेड जो आपके प्रधानमंत्री होंगे वो पूरे देश में अपना क्या करेगा अपने स्तर से कार्य करेगा ठीक है या फिर आप एक ही एक संघीय आप देखे होंगे जिसमें आपका क्या होता है निरंकुश एक राजा होता है और राजा क्या करता है पूरे देश में अपने हिसाब से राज्य करता है ठीक है तो वह व्यवस्था हमारा क्या है केंद्रीकरण यानी कि हेड ऑफ पॉइंट हेड ऑफ कमांडेंट एक ही आदमी होगा ठीक है हेड में सेंटर में और वही सभी कामों को सभी क्षेत्र के देशों को यानी सभी पार्ट को वो कवर करेगा ठीक है और ठीक इसके उल्टा हमारा क्या है हमारा विकेंद्रीकरण इसके ठीक उल्टा मरा विकेंद्रीकरण है विकेंद्रीकरण क्या है वो जान लीजिए आप विकेंद्रीकरण की अगर बात करें हम लोग तो बी मेनली हमारा वर्क करता है वो विकेंद्रीकरण वर्क करता है ठीक इसके उल्टा अर्थात क्या होगा इसमें केंद्र सरकार ही हेड नहीं होगा इस केंद्र सरकार के पावर को हम लोग बांट देंगे राज्य लेवल पे अलग काम करेगा लोकल लेवल पे अलग काम करेगा अब इन सब को मिलाकर हमारा देश चलेगा तो क्या हो गया यानी पावर एक ही है जनता एक ही है लेकिन आपका इन पर राज्य करने का स्तर अलग अलग हो जाएगा तो क्या होगा इस केंद्र के पावर को हम लोग छोटे छोटे लेवल पर हमने ले क्या कर दिया बांट दिया और इन छोटे छोटे लेवल पर आपका केंद्र के पावर को बांटना ही हमारा क्या है विकेंद्रीकरण है बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्र के पावर को छोटे छोटे स्तर में बांटना जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था उसमें आपका स्कूल के लेवल पे हमने देखा था कि स्कूल में हेड ऑफ कमांडेंट कौन होता है प्रिंसिपल होता है लेकिन उसने क्या कर दिया अपने पावर को दो तीन लेवल में बांट दिया कि स्कूल के अगर सफाई का आपका का काम करना है तो प्यून के जिम्मे दे दिया आपका देखिए मैं स्कूल के लेवल पर आपको बताया था तो देखिए मान लीजिए स्कूल के लेवल पर देखिएगा ठीक है तो हेड कौन हो गया हमारा डायरेक्टर हेड हो गया मान लीजिए डायरेक्टर ने क्या किया डायरेक्टर ने आपका चूज कर दिया एक प्रिंसिपल को डायरेक्टर ने किसे चूज किया फ्रेंड्स प्रिंसिपल को ठीक है ये पहला लेवल आपका हो गया प्रिंसिपल ने क्या किया प्रिंसिपल कहा कि भाई हम अकेले तो काम संभाल नहीं सकते हैं सफाई का जिम्मा दे दिया किसको प्यून को चपरासी को जो सफाई का काम करेगा उसके बाद जितने भी क्लास थे उस क्लास में हमने किसे ब्यूट कर दिया टीचर को कर दिया डिब्यूट ठीक है उसके बाद एक व्यक्ति को बना दिया इंस्ट्रक्टर जो क्या करेगा सभी टीचर प्यूनगोरों को इंस्ट्रक्ट करते रहेगा कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना उसके बाद एक और बना दिया क्या क्लर्क बना दिया एक बना दिया आपका कलर्क ठीक है स्कूल के लिए और बता रहे हैं आपको इससे अगर समझ जाइएगा तो संघ बाद अर्थात विकेंद्रीकरण को आप आसानी से समझ जाइएगा ये मेरा एग्जाम्पल है ठीक है इससे अन्यथा में नहीं ले ये इंपॉर्टेंट है तो प्यून और एक लेवल बना दिया आपका क्या लेवल। क्या लेवल ठीक है फ्रेंड्स ये हो गया मारा? ये टोटल लेवल हो गया पाँच। एक हो गया एक प्यून हो गया एक क्लर्क दूसरा प्यून तीसरा टीचर और चौथा हमारा इंस्ट्रक्टर ठीक है, है? चार ही हो गया और एक प्रिंसिपल साहब खुद ठीक है ये पांचों मिलकर क्या करते हैं पूरे विद्यालय को पूरे स्कूल को क्या कर तो फ्रेंड्स क्या है ये हमारे क्या हो गए इन सभी के आपके फॉर्म अगर चेंज हो जाने से प्रिंसिपल हो गया प्यून हो गया टीचर हो गया इंस्ट्रक्टर हो गया क्लर्क हो गया तो क्या होगा पैसे की जिम्मेवारी इनकी हो गई भाई पैसे कहाँ से लेने हैं कौन पैसा दिया है कौन नहीं दिया इसकी जिम्मेवारी कौन करेगा क्लर्क अगर क्लास में सफाई नहीं हो पाई है तो इसको जिम्मेवारी किसका है जी प्यून देखेगा क्लास में अगर बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रही थी इंस्ट्रक्टर अगर प्रॉपर कोई भी काम अगर नहीं कर रहा है तो कौन देखेगा इंस्ट्रक्टर बताइए जब ये चार पांच लेवल पर हमने बांट दिया है और आपका पावर मेन किसके पास था डायरेक्टर के पास था तो बताइए एक ही पावर को हमने क्या किया छोटे छोटे लेवल पर अलग छोटे छोटे लेवल पर हमने अलग अलग स्तर पे इसे क्या कर दिया बांट दिया और यह अलग अलग स्तर पर पावर का बटना ही हमारा क्या कहलाता है संघवाद या फिर विकेंद्रीकरण बताओ फ्रेंड्स विकेंद्रीकरण क्लियर हुआ कि नहीं एक व्यक्ति के पावर को छोटे छोटे पार्ट में उनके पावर को बांट देना ही विकेंद्रीकरण है ठीक है एक आपका जो प्लेबल है यानी बड़े स्तर को पावर को छोटे छोटे स्तर में बांट देना ही हमारा क्या है विकेंद्रीकरण है जैसे अगर अपने देश की बात करें तो हेड कौन है हमारे देश का हमारे देश का हेड हमारा अगर संविधानिक रूप में देखिएगा तो प्रधान सॉरी राष्ट्रपति है अगर कार्यकारी के रूप में देखिएगा तो हमारा हेड है प्रधानमंत्री क्योंकि डॉक्यूमेंट वे पे साइन करना होता है प्रेसिडेंट को तब भी जाके कोई भी डॉक्यूमेंट पास होता है ठीक है अगर कोई काम करना हो तो उसके लिए हेड आपका कौन होता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आपका केंद्र लेवल पे काम करेगा लेकिन अगर राज्य स्तर पे काम करना होगा तो कौन करेगा काम आपका मुख्यमंत्री राज्यपाल ठीक है अगर वही चीज अगर जिला स्तर पे करना पड़ेगा तो जिला परिषद आपके हो गया या फिर जिला अधिकारी हो गया फिर पंचायत लेवल पे आप जाइएगा तो पंचायत लेवल पे आने के बाद सॉरी प्रखंड लेवल पे आइएगा तो बी डी ओ सी ओ डिप्यूट किया गया है यह वर्क को करते हैं फिर ब्लॉक लेवल पे आपका क्या बना सॉरी पंचायत लेवल पे आपका क्या बनाया हुआ है मुखिया बनाया हुआ है उसके बाद आपका पंचायत का सरपंच बनाया हुआ है यह लेवल क्या हो गया है सभी के लेवल आपका कोई अगर प्रॉब्लम है तो पहले आप ग्राम के मुखिया के पास जाइएगा सरपंच के पास कि हमें समस्या है अगर वो समस्या समाधान नहीं होता है तो आप जाएंगे ब्लॉक में ब्लॉक लेवल पे अगर समस्या नहीं हो तो जाइएगा कहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप मुख्यमंत्री के लेवल तक जा सकते हैं या फिर अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जो इन सभी से सॉल्व नहीं होने वाला हो तब आप सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का आप सुप्रीम कोर्ट का, का दरवाजा खटखटाते हैं अर्थात कि आपका क्या हो गया वो सेंट्रल लेवल का हो गया ठीक है अर्थात कि अगर हम केस किसी केसेस की बात करें तो पहला आप सरपंच को देंगे अर्थात कि अपना मुखिया सरपंच को उसके बाद आप थाना में केस करते हैं अगर वो हैंडल नहीं हुआ तो आपका क्या करता है लोअर कोर्ट अर्थात कि आपके जिले स्तर पे काम करता है उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं यानी कि आपके राज्य की राजधानी में जैसे हम लोग का हाई कोर्ट पटना में है उसके बाद उस लेवल से भी अगर कंट्रोल नहीं होगा तब वह केस हमारा कहाँ चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में अर्थात कि वह सेंट्रल लेवल की बात हो गई तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अर्थात कि एक ही पावर को छोटे छोटे स्तर में बांटना ही हमारा क्या है विकेंद्रीकरण है और इस पूरे चैप्टर में इस संघवाद के बारे में हम लोग को जानना है बताओ संघवाद का ओवरव्यू क्लियर हुआ कि नहीं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं सबको बताइए फ्रेंड्स क्लियर है सबको किसी को कोई डाउट नहीं है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हम लोग अगले सेशन में संघवाद के टॉपिक के बारे में और डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे पॉइंट वाइज देखेंगे कि आपके इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उनके बारे में ठीक है फ्रेंड्स पूरी वीडियो में आप साथ बने रहें पूरी क्लासेस में आपने साथ बने रहे इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स ठीक है जो भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए जाते जाते लाइक करके जरूर जाएंगे और एक और बात तीन चीज कमेंट्स करना है तीनों कमेंट्स जरूर करेंगे मैंने तीन बातें आपसे पूछी थी एक तो कितने मार्क्स है उसे कमेंट्स करना है दूसरा मैंने पूछा था लिचवी के बारे में कि लिचवी बिहार के किस राज्य से कनेक्टेड है उसके बारे में दो चीज़ें ठीक है और एक और बातें आपसे पूछी थी कि महिला का मतदान सबसे पहले किस कंट्री ने लागू किया था इन तीन बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे थैंक यू वेरी मच